नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जिनको पहन के सैनिक जो है वो अदृश्य हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन वो अदृश्य हो जाएंगे। इसके बारे में आपको बताऊं, और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त पे, किसी ऐसी फिल्म की बात कर रहा हूं जो साइंस फिक्शन है, बल्कि ऐसा सचमुच में हो सकता है। दक्षिण कोरिया ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही में क्लोकिंग स्किन तैयार की है जिसे पहनने के बाद सैनिक या कोई भी अपने आसपास के वातावरण में ऐसा घुल मिल जाएगा कि दिखाई नहीं देगा। यानी ये बेसिकली अपने आसपास का कलर ऑब्जर्व कर लेंगे। जैसे आप अगर स्नो में हैं तो व्हाइट कलर, अगर आप जंगल में हैं तो ग्रीन कलर, और इसके अलावा जिस भी तरह के, अगर आप सॉइल में हैं तो सॉइल का कलर ले लेगा। मतलब अगर आप रेगिस्तान में हैं तो वो बिल्कुल जो रेत पड़ी होती है हर तरफ, उस तरह का कलर ले लेगा। यानी ये अपने आसपास के कलर्स को ऑब्जर्व करेगा और ह्यूमन बॉडी में जो क्लोदिंग है उसको उस कलर का कर देगा। यानी एक तरह से स्थिति ये होगी कि आप कुछ सेकेंड्स के लिए ही सही, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत वक्त के लिए ये आपकी बॉडी पर असर कर पाएगा। ये कोई ऐसी वैसी स्किन या कपड़े नहीं होंगे, बल्कि पूरी तरह से अत्याधुनिक होंगे। ये थर्मल कंट्रोल्ड होंगे और कुछ इस तरह से तैयार होंगे कि सैनिक इसे पहनने के बाद थर्मल इमेजिंग कैमरा को भी देख सके। इससे सैनिकों का पकड़ में आना मुश्किल हो जाएगा और उल्टे दुश्मन को इससे सेंध लगाई जा सकती है। अब आप सोचिए कि LAC पे हमारे जो जवान हैं उनको इस तरह के कपड़े दे दिए जाएं, और काश गलवान घाटी में भी ऐसा हुआ होता तो चीन के सैनिकों की जो संख्या है जिनकी मौत हुई है वो बहुत ज़्यादा होती और हमारा शायद कोई भी सैनिक ना मारा जाता। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव होगा अगर ये कपड़े बहुत जल्द भारत को मिलते हैं। फिलहाल ये कब इनको लेकर के पूरे जो एक्सपेरिमेंटल दौर है वो कब पूरा होगा, इसके अलावा ये नकली स्किन वाले कपड़े कब तक, क्या भैया भारत के पास आएंगे, क्या ये भारत को मिलेंगे? साउथ कोरिया हमारा अलाय तो है, और क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच दोस्ती है इसलिए साउथ कोरिया चीन को किसी भी हालत में इस तरह के इन्वेंशन को उनसे साझा नहीं करेगा। इसलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही भारतीय सैनिकों के पास आए ताकि भारतीय सैनिकों के लिए LAC पर ऑपरेट करना आसान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।